हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, तो मैंने सोचा कि चलो कल जो हम लोग लाए थे तो वो दिखा देती हूँ आप लोग को, क्योंकि कल का ब्लॉग लंबा हो गया था और बहुत रात हो गई थी ना, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की। और सुबह फिर मैंने आप लोग के साथ एग करी शेयर की, तो उसका मैंने पर्सनल एग बनाया, तो उसका भी कोई रीजन था इसीलिए। तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो मैं अभी एक ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ छोटा सा, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ तो लेके नहीं आई, बस बच्चों के लिए थोड़े बहुत कपड़े हैं और मेरे एक दो कुर्तियाँ, तीन कुर्ती। तो मैं गई थी बच्चों के लिए खिलौने लेने, तो कावे के लिए ना इतनी इतनी बड़ी डॉल लेना था एक अच्छी सी, तो उसके लिए हम लोग गए थे कि अच्छी सी मिल जाएगी, क्योंकि वो दिन भर डॉल के साथ खेलती तो चाहिए ना उसको अच्छी सी। और दादू के लिए भी ट्रेन लेने गए थे तो वो तो नहीं मिला, तो वहाँ कपड़े बहुत अच्छे थे बच्चों के, तो फिर मैं सोची कि चलो ले लेते हैं, इस बहाने लिवा जाएगा। और ना काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिला वहाँ कपड़ा, बड़ों का तो उतना ठीक नहीं था पर बच्चों का बहुत बढ़िया लगा मुझे, इसीलिए मैं लेके आई। और डेली वियर के हैं सारे, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दादू का दिखाती हूँ। ये देखिए, एक टी शर्ट ये है दादू की और इसमें ये केप बनी हुई है ऐसे, और ये इसकी डोरी और स्लीवलेस है, और कपड़ा बहुत अच्छा है, होजरी का कपड़ा है। और इसके साथ ये लोअर है, हाफ लोअर है, कैफरी टाइप होगा, और ये तो ऐसे ही लोअर है इसका। और इसके बाद हम लाए हैं एक और ड्रेस, ये तो ये भी बहुत अच्छा कलर लगा, इसके पास इस टाइप का कलर भी नहीं था दादू के पास, और मुझे नहीं लगता कि कभी उसने पहना है। बहुत ही प्यारा कलर लगा, कलर कॉम्बिनेशन इधर ब्लू है और इधर स्काई ब्लू है। और इसके साथ ये लोअर आया है, और इनका प्राइस काफी चीप था, ये 250 लगभग, हाँ 250 का ये। और ये टी शर्ट सिंगल है 250 की, और ये लोअर है, सस्ते ही हैं। और इसके बाद हम लेके आए हैं ये, तो इसका ये वाला, ये रेड पैंट इसका है, तो ये देखिए इतना प्यारा कलर है इसका, और डिजाइन भी काफी प्यारी है, और उसके ऊपर बहुत सुंदर दिख भी रहा था। तो ये है दादू के, दादू के तीन हैं और काव्य के दो हैं। क्या हुआ ना, जब हम लोग ले रहे थे तो सब लेते जा रहे थे बच्चे लोग, तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, हमको लगा कि हमने काव्य के ज्यादा ले लिए और दादू के कम ले लिए, तो उसी चक्कर में काव्य आके आ गए सिर्फ दो, तो हो गया अगली बार जाएंगे तो ले आएंगे। तो देखिये काव्य की टी शर्ट, और इतनी प्यारी है ना, बहुत प्यारा कलर है इसका, और इस पे बहुत खिलती है। और इसमें एक पिंक कलर था पर इसका साइज थोड़ा छोटा था, सो हम लोग ने ये ले लिए। और ये दो लोअर लेके आए हैं उसके लिए, अभी ठंडी आ रही है, और उसके लिए हम एक ये वाली ड्रेस लेके आए हैं, डंगरी टाइप है। ये देखें, और ये टी शर्ट अलग निकल जाती है और ये अलग रह जाता है, इसमें कोई भी टी शर्ट भी अंदर डाल के पहना सकते हैं बच्चों को, बहुत प्यारा लगेगा। और ये ना मुझे बहुत पसंद आया, और ये भी बहुत कम रेट का है, ये देखिए रेट आप। और इसके साथ ही मैंने अपने लिए तीन कुर्तियां ली है, ये भी मुझे बहुत पसंद आई और पेवर कॉटन की थी इसलिए मैंने ले ली, तो ये देखिए। और मुझे लगता है कि ये सूती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसका, पर इतना है कि धोएंगे ना तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा बड़ा साइज का ही ली हूँ, 46 का है ये, मुझे लगता है कि डबल एक्सल होगा। और इसके बाद ये येलो कलर, तो ये पहनी हुई, ये भी येलो है, और येलो येलो भी बहुत सारी है मेरे पास। और ये फ्रॉक वाली है, और ये भी कॉटन की ही है लगभग, लगभग रेयॉन की कपड़े की है, रेयॉन की, कॉटन नहीं है। और ये देखिए इसका
फ्रॉक टाइप है ये, और इसमें ना बटन बहुत प्यारी दी हुई है, ऐसी बड़ी बड़ी सी, इसको टाकना पड़ेगा हालांकि। और इसके अंदर स्लीव्स भी दी हुई है, स्लीव्स अधिकतर दी ही रहती है सूटों में। ये देखिए, और इसके बाद लास्ट कुर्ती है मेरी ये, और ये कलर देख के मैं ली हूँ, कोई डिजाइन नहीं देखी कुछ नहीं, सिर्फ कलर देखी हूँ और इसको पकड़ ली। तो ये देखिए, और ये एकदम सिंपल सोबर है, कॉलर वाला है, लॉन्ग आस्तीन है, और एकदम परफेक्ट हो रही है ना, ढीली हो रही है ना, टाइट हो रही है। हालांकि इसका जो कट है ना, यहाँ से थोड़ा नीचे रहता है, मुझे ऊपर, मैं ऊपर वाला पहनती हूँ, तो ये मुझे सुधारना पड़ेगा। तो ये देखिए, कटिंग है यहाँ से बीच में से। तो ये थी हमारी शॉपिंग, और गए थे किराना की, मतलब वो ग्रोसरी शॉपिंग वाले मॉल में। तो वहां पे ना हम लोग को कुछ नहीं लेना था, बस ऐसे ही इनके पापा के फ्रेंड लोग ने खोले हैं अभी नया नया, तो वहीं पे हम लोग गए थे। तो कैसा है करके, तो हम लोग को बहुत अच्छा पसंद आया, बच्चों ने अपना खाने पीने का सामान लिए वहां से, और अपने से लिए उन लोग ने, मैंने तो कुछ भी नहीं करी, बस थोड़ा बहुत बताई हूँ कि हाँ ये ले लो ठीक है। और उसके बाद फिर इसके पापा से हमने बोले कि आप भी ले लो कुछ, तो उनको तो लेना ही नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो ब्लैक शर्ट ले लो, तो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोले कि ठीक है मैं बाद में ले लूंगा। तो देखते हैं कि जब जाएंगे तब उनके लिए भी लेंगे, बाकी तो हम लोग का तीनों का हो गया है। और अगले महीने फिर साड़ियाँ लेना पड़ेगा, अगले महीने है करवा चौथ। तो चलिए, ये थी हमारी आज की शॉपिंग, कल की शॉपिंग, और खतबदी हो रही थी कि कब बताऊं, कब बनाऊं व्लॉग, और ना जैसे कुछ दूसरे के साथ बनाओ तो ये फिर कंजस्टेड हो जाता है, जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, इसलिए मैंने बोली कि मैं इसका पर्सनल बनाऊंगी। तो कैसा लगा जरूर बताना, और बच्चों के कपड़े कैसे लगे जरूर बताना, और अगर मेरा चैनल, जो कोई भी नया देख रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करना, और कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, और जो पुराने हैं वो भी बताना कि कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।